ओपन योर शीट्स एंड योर नोटबुक्स ऑल्सो रेडी. कीप रेडी योर पेन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिकॉल द थिंग्स विच वी डिड यस्टरडे बच्चे. इफ यू रिमेम्बर कल मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटीजर्स का चैप्टर हो, जब भी आप इंटीजर्स का क्वेश्चंस करने वाले हो, प्लीज राइट डाउन इन रफ फटाफट कि सेम साइन होगा तो हमने ऐड करना है, और ऐड करने के बाद साइन कौन सा आएगा आंसर में, बिगर नंबर का साइन. यस, अगर अपोजिट साइन है तो उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, फिर से साइन कौन सा आएगा, बिगर नंबर का. ठीक है, दिस इज समरी ऑफ द होल चैप्टर. मैंने कल भी आपको बताया था, टुडे अगेन वी आर रिकॉलिंग बिकॉज हमें सेम उसको यूज करना है. ओके बच्चे, एंड सिमिलरली व्हेन वी डू मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, व्हेन वी डू मल्टीप्लीकेशन सेम साइन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव साइन आएगा. ओके, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, यू शुड रिमेम्बर. अब आप देख रहे हो कि दोनों में ही सेम साइन है तो आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव साइन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप ऐड ही कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही रहेगा दोनों के साथ, तो आंसर में भी पॉजिटिव ही रहेगा. ओके बच्चे, सो प्लीज राइट डाउन इन रफ, और ये आपकी एक समरी बन जानी चाहिए एग्जाम के लिए भी. आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी तो सब कुछ पता ही है आपको. एडिशन करनी सबको आती है, सब्ट्रैक्शन सबको आती है, मल्टीप्लीकेशन टेबल सबको आते हैं, डिवाइड करना आता है, काटना भी आता है, अप एंड डाउन. तो सिर्फ आपको साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन. ओके, टुडे इज द लास्ट वर्कशीट ऑफ इंटीजर्स, तो अगर आप ये चीज माइंड में रखोगे तो आपकी कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी. ओके बच्चे, लेट अस स्टार्ट मॉड्यूल टू. क्वेश्चन नंबर वन, एमसीक्यू. प्लीज रीड इन द शीट. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. वी हैव टू टेल आउट ऑफ दीज फोर स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. जब भी हमने बेटा राइट या रॉन्ग बताना होता है, ट्रू या फॉल्स बताना होता है, तो हमें स्टेटमेंट्स को टू टाइम्स रीड करना होता है. ठीक है, एक टाइम में आपको प्रॉपरली वो ग्रैस्प नहीं होती है कि क्या सिचुएशन बताई हुई है. व्हेन यू रीड इट सेकेंड टाइम देन यू कम टू नो एग्जैक्टली. ठीक है, सो वी विल रीड दिस स्टेटमेंट टू टाइम्स. फर्स्ट इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. मैंने आपके लिए ये लाइन भी ड्रॉ की हुई है आपको दिखाने के लिए कि नेचुरल नंबर्स आपको पता है वन से स्टार्ट होते हैं, यहां से लेके यहां से सारे नेचुरल नंबर्स हैं. और अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो हमारा यहां से लेके यहां तक सारे ऑनवर्ड्स होल नंबर्स हैं. एंड वेन वी इंक्लूड ऑल नेगेटिव ऑन द लेफ्ट साइड, ऑल पॉजिटिव ऑन द राइट साइड, दे बिकम इंटीजर्स. तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, या इंटीजर्स की? हु विल टेल मी? दस इंटीजर्स की. ओके, अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. नाउ दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. टू टाइम्स मैंने रीड किए, टू टाइम्स आप रीड करो अपनी स्टेट उसमें, देन यू रेज योर हैंड. ओके, प्लीज रीड इट योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि आप खुद रीड करोगे तो आपके माइंड में एग्जैक्टली फटाफट से जाएगा. वेरी गुड. वेरी गुड, हु विल टेल मी? ए ए इज करेक्ट. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. मॉर्निंग यस, जस्ट अ मिनट बेटा. मैम, गुड मॉर्निंग बच्चे. यस, टेल मी. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. ओके, जस्ट अ मिनट. तो बच्चे, नाउ इट इज क्लियर? हेलो, ओके, वेट वेट फॉर 1 मिनट. मैम आपकी स्लो आ रही है. ओके, वेट बिटेल. हेलो बच्चे, हेलो हेलो बच्चे, अभी भी स्लो आ रही है. नाउ इट इज फाइन. नाउ लो मैम लो आ रही है, आ रही है. आपकी वॉइस.
जब तक मैं इसको ठीक करती हूँ प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ. वेरी गुड. हेलो हेलो बच्चे, क्लियर नहीं है. ओके ओके मैम आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है. हेलो ओके जस्ट अ मिनट बेटा, मैम, यू आर ऑडिबल नाउ. यू आर आर ऑडिबल ऑडिबल नाउ. नाउ. ओके वेरी गुड, चल थैंक गॉड, लेट अस स्टार्ट. तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या था बेटे? ए फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें क्लियरली पता चलता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यू नो इट. ओके फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, मैं इसको धीरे धीरे पढ़ूंगी और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा साथ साथ. ओके एट सनराइज, व्हाट डू मीन बाय सनराइज, हु विल टेल मी? सेवेंथ ए सेक्शन, अमनदीप सिंह, सेवेंथ ए. ओके ओके यस ओके यस बच्चे, सो आई वॉज आस्किंग वट इज सनराइज. ठीक है, सनराइज क्या होता है? जब मॉर्निंग में सनराइज होता है, जब आप स्कूल आते हो, सो के उठते हो, तब सनराइज होता है ना? तो एट सनराइज द आउटसाइड टेम्परेचर वॉज 1 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो. अब बिलो जीरो, जब हम बिलो जीरो की बात करते हैं तो आपको इमीडिएट आपकी नंबर लाइन आपकी आंखों के सामने आ जानी चाहिए. ठीक है, बिलो जीरो का मतलब हम यहाँ पे नेगेटिव की बात कर रहे हैं. ओके जब भी हम बिलो जीरो बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे -1. ओके प्लीज रिमेम्बर वी आर टॉकिंग अबाउट -1, क्योंकि हमें तो इंटीजर से मतलब है, सनराइज सनसेट से मतलब नहीं है, हमें इंटीजर से मतलब है. हमने तो मैथमेटिक्स में मैथ्स की जो नंबर्स हैं उनको यूज करना है. ओके बाय लंच टाइम, जब थोड़ी दोपहर हो गई, इट रोज बाय 17 डिग्री सेल्सियस. रोज मतलब राइज हो गया टेम्परेचर, थोड़ी अच्छी धूप निकल आई, तो रोज मतलब उसका टेम्परेचर जब हाई हो गया तो हमने उसको कर दिया +17. ओके और जब एंड व्हेन फॉल, देन फॉल बाय 4 डिग्री बाय नाइट. फिर सनसेट हो गया, शाम हो गई, थोड़ी रात हो गई, फिर से टेम्परेचर डाउन हो गया, फॉल हो गया, इसका मतलब -4 हो. ठीक है, हैव यू कम टू नो कि व्हाई आई हैव टेकन -17 एंड 12 दिस +17 एंड -4? इफ यस रेज योर हैंड. हैव यू अंडरस्टूड कि मैंने +17 और -4 क्यों लिया है? वेरी गुड. 7D, कैन यू हियर मी? 7D, वेरी गुड. चलो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मेरे को काफी बच्चे खाते दिख रहे हैं. ओके वेट हियर, आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट अगेन. एट सनराइज द आउटसाइड टेम्परेचर वॉज 1 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो. बिलो जीरो था तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिया. उसके बाद लंच टाइम में इट रोजेस बाय 17 डिग्री. रोजेस मतलब बड़ा, उसे हाई टेम्परेचर हो गया. ठीक है, हाई टेम्परेचर हो गया, पहले ये लो था, फिर ये हाई हो गया, फिर से लो हो गया. बेटा जब भी आप स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हो, प्लीज अपना एक रफ कॉलम बनाओ साइड पे और उसमें अपना विजुअलाइज करो कि क्या क्या स्टेटमेंट हमें दी हुई है. ठीक है, व्हाट दे आर आस्किंग, अपने विजुअलाइज करके उसका अपनी वे में उसका डायग्राम ड्रॉ कर लो. जब हम फॉल की बात करेंगे तो आप डाउनवर्ड एरो ड्रॉ करोगे, हाई की बात करेंगे तो अपवर्ड ड्रॉ करोगे. ओके तो आपने देखा यहाँ पे -1 पहले बिलो था जीरो, फिर 17 यहाँ पे हाई हो गया, फिर -4 यहाँ पे डाउन हो गया. तो इसलिए हमने तीनों को आपस में लिख लिया. अभी हमने इसको सॉल्व करना है, प्लीज सॉल्व इट, टेल मी क्या आंसर आएगा, जल्दी से करो. -1 + 17 माइनस 12 डिग्री सेवनटीन सेल्सियस. 12 डिग्री, 12 डिग्री सेल्सियस. तो सी इज द ऑप्शन. सी एक्सीलेंट, फाइन, सी ऑप्शन इज द आंसर. यू कैन मार्क इट इन द शीट.
सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, वेरी गुड. थर्ड क्वेश्चन इज, फिर से ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, हम इसको स्लोली स्लोली एवरी सेंटेंस में इसको पॉज करेंगे, रोकेंगे, उसको समझेंगे, और साथ साथ में हमने छोटा सा डायग्राम भी ड्रॉ करना है. आपने रफ फॉलो बनाना है साइड पे और उसमें अपना ड्रॉ करना है जो भी आपके माइंड में आ रही है, जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट समझ आ रही है. सी एवरी फ्लोर ऑफ ए 104 स्टोरी स्काई स्क्रैपर इज 4 मीटर हाई. स्काई स्क्रैपर, व्हाट इज स्काई स्क्रैपर? आजकल आप देखते हो बाहर कितनी हाई हाई बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, कितनी तो यहाँ पे उसको स्काई स्क्रैपर बोलते हैं, जो बिल्कुल आपको लगेगा ओ माय गॉड वी आर लुकिंग एट स्काई, इट इज सो हाई. ठीक है, तो 104 स्टोरी बिल्डिंग है, देयर आर वन स्टोरी 104 डिग्री स्टोरी, कितनी हाई है, और हर एक फ्लोर पे उसका जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर, 4 मीटर हेयर, 4 मीटर हेयर एंड सो ऑन. हर एक फ्लोर पे जो हाउसेस बने हुए हैं उनकी हाइट कितनी है, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर एंड सो ऑन, और वो कहां तक जा रही है, 104 फ्लोर तक जा रही है, इतने फ्लोर है उसकी. हैव यू अंडरस्टूड बेटा यहां तक? फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्लियर? यस, वेरी गुड. देन इफ अ बॉल राइजेस 3 मीटर एवरी सेकेंड, अब आप सोचोगे कि अभी तो हमारी स्टोरी बिल्डिंग की बात हो रही थी, तो अब ये बॉल कहां से आ गई? ठीक है, तो व्हेन यू प्ले यू थ्रो द बॉल बॉल अपवर्ड, ओके, देन इट कम्स डाउन. ठीक है, तो वो बॉल का जो हमने डिस्टेंस टाइम नोट करना है कि कितनी देर में आएगी. इफ अ बॉल राइजेस 3 मीटर एवरी सेकेंड, दे आर सेइंग कि 1 सेकेंड में जो बॉल है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 30 मीटर्स, सॉरी 3 मीटर्स, नॉट 30 मीटर्स, 3 मीटर्स, 3 मीटर्स 1 सेकेंड में. ओके, सो दे आर आस्किंग हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू राइज फ्रॉम द 36th फ्लोर टू 36th फ्लोर यहाँ पे है और 96th फ्लोर यहाँ पे है, ये और भी हाई बिल्डिंग है यहाँ पे, तो इस बिल्डिंग यहाँ पे 36 से लाइक 96 तक आपने देखना है कि बॉल को जो है वो उससे कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट यू हैव टू फाइंड. ओके, सो ये क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगी आपको, पर आपको ध्यान से समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि गिवन क्या है, हमें 104 फ्लोर दिए हुए हैं, हमें हाई बिल्डिंग है जिसमें 104 फ्लोर है. ठीक है, और हर एक फ्लोर का डिस्टेंस कितना है, 4 4 मीटर है. ओके, एंड हमें फाइंड आउट करना है कि जब हमने बॉल थ्रो की ऊपर बॉल का डिस्टेंस कितना कवर करता है, कि 1 सेकेंड में वो 3 मीटर डिस्टेंस कवर करती है बॉल. ठीक है, वो हमने रफ में लिख लिया साइड पे. पार्डन बेटा, एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क समथिंग? एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड. यस, ओके, गुड. नाउ वी हैव टू फाइंड कि जब बॉल आपकी 36 फ्लोर से 96 फ्लोर तक गई है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका कि हमारे पास जो थी 36, यहाँ पे लिखो पहले 36 फ्लोर टू 96 फ्लोर, 81 seconds. 81 seconds. किसे बताया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. आई वांट टू सी विच सेक्शन. नो, दिस इज नॉट 81 बच्चे, 80 seconds. 80 seconds, yes, 80 seconds is correct answer, but I must tell you how have you found. ठीक है, तो इस यहाँ तक जो आपका distance है वो 60 meters है. ठीक है, तो हर एक जो फ्लोर है वो कितने कितनी है आपकी, 60 फ्लोर है यहाँ पे, 60 फ्लोर है जब आपने माइनस किया. ओके, तो आपकी हर एक फ्लोर जो है 4 4 मीटर की है, तो आपके पास डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस यहाँ पे कितना हुआ, टोटल इज इक्वल टू 60 × 4 मीटर. ओके, 240 मीटर डिस्टेंस है. आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि 36 फ्लोर से लेकर 96 फ्लोर तक हमारा डिस्टेंस कितना था, 240 मीटर. तो अभी हमने यूनिटरी मैटर लगा देना है कि 1 सेकेंड में हमारा 3 मीटर जो डिस्टेंस है वो 1 सेकेंड में कवर होता है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि 240 मीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर होगा, 1/3 × 240. When you cut it, 8 3 = 24, सबको पता है, तो इट इज 80 seconds. कुछ बच्चे मेरे को 81 बोल रहे थे, तो
तो ये क्वेश्चन बेटा जल्दी में करने वाले नहीं है, यू हैव टू गो वेरी वेरी स्लोली, ओके? बिकॉज छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है, ओके? 60 फ्लोर्स। जब आप रफ में डायग्राम बनाओगे, थोड़ा विजुअलाइज करोगे, तो आपकी कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। इट्स गुड दैट मैनी चिल्ड्रन आर नोटिंग डाउन, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। हैप्पी टू सी एवरीबडी राइटिंग इन द नोटबुक, वेरी गुड। यू कैन रिवाइज ऑल्सो एट होम बेटा। इफ एनीबडी हैज डाउट दे कैन आस्क मी। ओके, आई एम रीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड, कभी टेम्परेचर फॉल कह रहे हैं, कभी ड्रॉप कह रहे हैं, कभी राइज कह रहे हैं, तो प्लीज बी केयरफुल कि कब कौन सा साइन लगाना है। ड्रॉप मतलब इसमें पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव? लेट मी आस्क, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ड्रॉप, वेरी गुड। ड्रॉप मीन्स कमिंग डाउन, वेरी गुड। तो टेम्परेचर ड्रॉप 2 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर फॉर 6 आवर, फॉर 6 आवर्स। इसका मतलब कि प्रीटी शेली क्लीन इट, एवरीबडी हैज नोटेड हु आर राइटिंग, रेज योर हैंड, यस, फाइन, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, टेम्परेचर ड्रॉप बाय -2। -2 नहीं उन्होंने बोला, -2 तो हमने लिखा है, दे सेड ड्रॉप बाय 2 डिग्री, तो हमने खुद उसका माइनस डायग्नोज कर लिया कि माइनस आएगा। ओके, देन एवरी 6 आवर्स, फॉर 6 आवर्स, इसका मतलब -2 -2 -2 -12 डिग्री सेल्सियस, -12 डिग्री सेल्सियस, यस, इट्स सिंपल, यस, -2 -2 -12 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड, वेरी गुड। -2 × 6 = -12 डिग्री सेल्सियस, सो सिंपल। जिसको स्टेटमेंट समझ आ गई है उसको आंसर जल्दी से समझ आ जाता है, बिकॉज ये बहुत छोटी सी कैलकुलेशन थी, -2 -2 -2, इट इज हैपनिंग 6 टाइम्स, तो माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया और 2 × 6 हो गया अंदर, सिंपल। अगर इसमें राइज इन टेम्परेचर होता फिर आप क्या करते, फिर आंसर क्या आता? ये तो ड्रॉप था, 12, फिर ओनली 12 आता, माइनस नहीं आता ना बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। इफ योर कंसेप्ट इज बिकमिंग क्लियर, देन इट इज, यस, देन इट इज वेरी फाइन, वेरी गुड। चलो लास्ट क्वेश्चन इज देयर, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आई वॉन्ट टू सी इफ यू हैव अंडरस्टूड, देन यू विल बी एबल टू आंसर मी करेक्टली। क्लार्क मेड 4 ऑफ हिज ट्रक पेमेंट लेट, आपने बता दिया, इट इज गुड। जैपलिन, वेट 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 वेट, 7C, जैपलिन कॉर, जैपलिन भाटिया, आर यू देयर? शैल आई आस्क? यस, या प्लीज टेल मी, कैसे आया इसका आंसर -7? यस 7C, जैपलिन, आर यू देयर? मैम कहना है -7 कैसे आया बेटे, थोड़ा पास आ जाओ इसके, यस, मल्टीप्लाई करके, यस, मल्टीप्लाई करके, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि 4 पेमेंट जो है उनको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास -28 आ जाए। कि 4 पेमेंट्स लेट हुई थी, तो 4th में से जो फर्स्ट पेमेंट थी, मतलब एक जो पेमेंट थी वो कितनी थी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। जैसे आप करते हो 4 × x = -28 करते हो, x की वैल्यू क्या आएगी, -28/4 = -7। ओके बेटा, लिसन, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ना, अभी जैसे जतीन ने मेरे को आंसर तो बताया, ठीक बताया, बट शी हैज अ डाउट, थोड़ा सा उसको डाउट था, अगर डाउट हो है तो उसको फिर चेक कैसे करना है आपने? सपोज आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो, हु विल करेक्ट यू? वहां पे तो हम नहीं होंगे ना, टीचर नहीं होंगे आपके साथ, हाउ विल यू चेक कि आपके आंसर ठीक है या गलत है? व्हाट वुड यू डू?
आप इसको जो भी आपके पास ये आ रहा है, आप बोलो कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको रफली करके देख लो कि 4 × -7 करूंगी तो -28 आएगा कि नहीं। रफ कलम आपका रेडी रहना चाहिए जल्दी से। मैथ्स में जो भी क्वेश्चन करोगे आपका रफ कलम सबसे पहले बनना चाहिए इनिशियली, देन स्टार्ट डूइंग। तो अपना डाउट क्लियर कर लो, रफ में जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो। 7 का टेबल आता है आपको, 4 का टेबल आता है, 28 से डिवाइड करना आता है आपको, तो प्लीज उसको करो रफ में और बी कॉन्फिडेंट कि आपने राइट आंसर किया है। और भी थोड़ा डाउट हो रहा है तो उसको रिवाइज कर लो, चेक कर लो दोबारा से कैलकुलेशन। ओके बेटा, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। फर्स्ट इज असर्शन 32, 32 डिवाइडेड बाय -8, 32 डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू -4। लेट मी कॉल द नेम, नमन ऑफ 7C। नमन आर यू देयर? या वेरी गुड, आप आगे ही बैठे हो, जल्दी से बता दो ये ट्रू और ये फॉल्स है। मैम फॉल्स फॉल्स, मैम कहना है मैम यस यस, आगे आके बोलो। इट इज नॉट फॉल्स बच्चे, एक बार दोबारा करो इसको, प्लीज सिट डाउन। इज मैम ट्रू मे बट आई, आर 32 इज फॉल्स। डिवाइडेड बाय -8 बेटा, आपको 4 का टेबल आता है, व्हाट इज 8 4 जा 32 32। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो आंसर में भी नेगेटिव आएगा, -4 आएगा, तो दिस इज ट्रू। मैम ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बट आर इज फॉल्स, यस वेरी गुड। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर द क्वेश्चन क्वेश्चन ऑब्टेन्ड इज अ पॉजिटिव, दैट इज फॉल्स। क्योंकि अभी अपने हमने देखा कि अगर, मैंने आपको बताया था डिवीजन में जब अपोजिट साइन होते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, बताया था ना आपको, तो हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा -4। यस हमारी इसमें सी ऑप्शन मैच कर रही है। ऑप्शन ओके चलो सेकंड क्वेश्चन, 0 a डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू a, ट्रू और फॉल्स? मैम फॉल्स। फॉल्स, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आपसे 8th में भी पूछेंगे, 9th में भी पूछेंगे, 10th में भी पूछेंगे, कौन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बी वेरी फास्ट बेटा, डोंट बी वेरी फास्ट, वी हैव टू ऑल गो टूगेदर, यू नो इतने सारे बच्चे बैठे हैं, सबको समझ रहे हैं, सबको अंडरस्टैंड करके मेरे को आंसर करना है, और हमें यू नो कॉप अप करना है, वी हैव टू कॉप अप विद ईच अदर। क्योंकि गलती से किसी ने ट्रू बोल दिया तो किसी बच्चा हो सकता है उसको समझ नहीं आ रहा, वो ट्रू लिख देगा बिना समझे, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, वट एवर विल डू विल डिस्कस एंड डू इट, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है और जल्दी होनी भी नहीं चाहिए, ना क्लास में ना एग्जाम में। ओके तो सो ए डिवाइडेड बाय 0 इज ए, दैट इज फॉल्स। एवरीबॉडी नोज कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड कभी नहीं हो सकता, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यू विल बी यूजिंग इन 8, 9, 10 एवरीवेयर, आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में 0 है तो इट इज नॉट डिफाइंड, दिस इज फॉल्स। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, वही जो हम मैं बोल रही हूँ वही वाली बात सेम लिखी हुई है यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारी कौन सी ऑप्शन मैच करेगी, एक फॉल्स है और दूसरी ट्रू है? वेरी गुड, बी ऑप्शन इज मैचिंग, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन, आई थिंक ये हमने कल भी किया था, सेम क्वेश्चन है। कल भी एक थर्ड क्वेश्चन था असर्शन रीजन में, आज भी थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज सेम, आई एम लिविंग इट, कल हमने डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन बेटा, असर्शन में सब्ट्रैक्शन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब ये प्रॉपर्टी की बात आ गई है, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव मतलब कि इफ 3 - 2 इज इक्वल टू 2 - 3 होता है क्या ये, यस और नो? नो अभी भी नहीं होता, एडिशन में होता है बट सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, तो ये हमारा फॉल्स होगी। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव मतलब वो कभी भी जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट टू राइट तो कभी भी वो सेम नहीं आता आंसर, ठीक है, क्योंकि बिगर नंबर का साइन का हमने ध्यान रखना होता है। एंड नेक्स्ट इज 3 + 4 इज इक्वल टू 4 + 3, यस इट इज ट्रू ट्रू, ट्रू या वेरी गुड, अगेन डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, वेरी गुड। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, अब मैं मैम यू आपको लेफ्ट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी लेफ्ट बिकॉज सेम क्वेश्चन वी डिड यस्टरडे आल्सो,
ओके डू यू रिमेम्बर, कल जो हमने असर्शन रीजन किया था, थर्ड क्वेश्चन से मैच कर रहा है, मैंने इसलिए आप पे छोड़ा है, प्लीज डू इट अगेन, मेरे को रिवाइज करना है इसको. ओके चलो फिफ्थ क्वेश्चन. असर्शन इज 3 इंटू 5 4 इंटू 5. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है. 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5. मैंने कल आपको बताया था कि जब भी तीन नंबर यूज होते हैं तो वो सी कौन सी प्रॉपर्टी लगती है बेटा? एसोसिएटिव. यस, और एसोसिएटिव किस में होती है? ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में, और कहीं नहीं होती. तो इसलिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है आपको? लग रहा है दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, विच इज ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू. असर्शन इज ट्रू. रीजन इज इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन. इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज? कौन बताएगा मेरे को? सेवंथ बी मानवी, कैन आई आस्क यू? एब्सेंट शी इज एब्सेंट. वरुण दीप, सेवंथ बी, कैन यू टेल मी? इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज? No, it is not false. Close. Okay, go back. Go back. Listen to me very, very carefully. Close का मतलब होता है कि हमारा आंसर जो है वो इंटीजर आता है या नहीं. हमने ये देखना है कि अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर डिवाइड करने के बाद इंटीजर आता है कि नहीं, वो हमने चेक करना. आप कोई भी नंबर ले लो, 8 डिवाइडेड बाय 4 ले लो तो आंसर क्या आएगा? 2. 8 डिवाइडेड बाय -4 ले लो, आंसर क्या आएगा? -2. क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है? -2 इंटीजर? यस. तो अगर मैं इसको बेटा 8 को 0 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? जीरो. नॉट डिफाइंड. इसलिए नॉट डिफाइंड, इसलिए इट इज नॉट क्लोज फॉर डिविजन, क्योंकि इसका आंसर हमारा इंटीजर कभी नहीं आ सकता, इसलिए इट इज नॉट क्लोज अंडर डिविजन. इसलिए स्टेटमेंट इज जो है वो ट्रू. इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन, दे हैव सेड. क्यों नहीं है क्लोज? सिर्फ जीरो के कारण नहीं है, बाकी तो सबके लिए है. जैसे ही आपका जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वो कभी क्लोज नहीं होगा, कभी भी उसका आंसर इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. ठीक है बेटा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो कुछ और दिया हुआ है, किसी और प्रॉपर्टी के बारे में है, और ऊपर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए आपकी बी ऑप्शन आएगी, जो कि रीजन जो है वो उससे मैच नहीं कर रहा है असर्शन से. इज इट फाइन? सो विच ऑप्शन इज यस वेरी गुड, वेरी गुड. You're all very good children, very brainy children. You are understanding my things very well and you are responding very well. Happy to see you all. So our B option is there. Okay, बेटे? चलो, next question करते हैं बेटा. Case study, base question, question number one. Read the statement very carefully. Make a rough column on the side, क्योंकि हमें थोड़ा सा डायग्राम भी बनाना है इसमें, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. Okay? The table given below shows the elevations. Elevation. What do you mean by elevation? Elevation का मतलब है कि उसका जो है वो डिस्टेंस अलग अलग होता है. कहीं पे छोटा डिस्टेंस होगा, कहीं पे बड़ा होगा, फिर कहीं पे छोटा होगा, फिर कहीं पे बड़ा होगा. ठीक है, तो चेंज होता रहता है. द टेबल गिवन बिलो शोज द एलिवेशन रिलेटिव टू द सी लेवल ऑफ 4 लोकेशंस. एक सी लेवल है आपके पास, मैं इसको क्लीन करती हूँ, देन आई लेट यू नो. आपके पास सी लेवल है, यहाँ पे सी लेवल है. ओके, हमने छोटा सा डायग्राम बनाना है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. सी लेवल पे आपके पास पॉइंट्स है ए बी सी एंड डी. ओके, 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं. आपको डायग्राम दिख रहे हैं बेटा, टेबल दिख रहे हैं वहां पे? अब आपको वेरी गुड, अब आपको ये देखना है कि जब हम बिलो की बात करेंगे वी विल गो डाउनवर्ड्स, जब हम हाई की बात करेंगे, अबव सी लेवल की बात करेंगे, वी विल गो अपवर्ड. ठीक है, ए पॉइंट की लोकेशन है 180 बिलो सी लेवल. 180 बिलो सी लेवल, बिलो मतलब यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब -180 आ जाएगा. इधर
मैंने आपको बताया था व्हेन वी टॉक अबाउट बिलो वी टेक नेगेटिव साइन. देन बी पे 1600 अबव सी लेवल, 1600 अबव सी लेवल दिस इज हाई, 1600 प्लस. आपको पता है प्लस साइन हम लिखते नहीं है. व्हेन देयर इज नो साइन इट मींस इट इज अंडरस्टूड कि इट इज प्लस. इज इट क्लियर बच्चे? देन सी पॉइंट इज, सी पॉइंट इज 55 बिलो सी लेवल. सी पॉइंट 55 बिलो सी लेवल इसका मतलब -55. ओके. देन डी पॉइंट इज 3200 अबव सी लेवल. 3200 अबव, तो और ऊपर चले जाओ इसमें, 1600 से भी ऊपर चले जाओ. इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो 1600 को, तो ये हमारा 3200 ऊपर चला गया. ओके, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, आपको भी अगर काटना है तो काट दो, तो ताकि हमारा 1600 यहाँ तक आ, क्योंकि वो 3200 ज्यादा था ना, ज्यादा हाई चला गया मेरा, तो यहाँ पे बोर्ड भी फुल हो गया, मैं तो ऊपर टॉप तक पहुंच गई. आपकी स्पेस है तो और लंबा कर लो नोटबुक में उसको. ओके बेटा, सो आई हैव, ये विजुअलाइज हो गया आपका पूरा क्वेश्चन आपके सामने. आपको पता चल गया कि हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया और पॉजिटिव साइन क्यों लिया. Have you understood why we have taken this all? Raise your hand. Yes. Very good. All right. So first question: which location is closest to sea level? Closest मतलब sea के बिल्कुल पास. इन चारों में से सबसे close वाला कौन सा होगा? Very good. You know it. कि -55 जो है वो sea level के closest होगा. Which location is farthest? Farthest means D. Very good. आपको देख रहे हैं सबसे long line आपकी 3200 की है, तो that is D. What is the correct order if locations are arranged from least to greatest? Least to greatest means ascending or descending? A. 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 That is A. Then C. Then B. Then D. आपको आपका, क्योंकि आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया था तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया. ये बहुत जल्दी आपने आंसर कर दिया. अगर आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करते फिर थोड़ा सोचने में और टाइम लगता आपको. तो हैव यू सीन बेटा, डायग्राम ड्रॉ करना है आपने. जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई भी सीट में क्वेश्चन आता है, उसको विजुअलाइज करो, उसको स्टोरी फॉर्म में उसको साइड पे अपना एक डायग्राम ड्रॉ करना रफली. टीचर ने नहीं देखना होता वो डायग्राम, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. इज इट क्लियर? This is useful or not? Raise your hand. Who are saying that this is useful? Diagram. Good. Chalo, next question is case study based question 2. Main fourth reh gaya. Oh, sorry, sorry, sorry. Yes. What is the difference between least and greatest elevation? बेटा मैं, लेट मी कॉल द नेम, मेरे को पता चलना चाहिए कि सबको समझ आ रही है या नहीं. लेट मी आस्क, सेवंथ ए में से मैंने पूछा नहीं है. लेट मी कॉल जस्मीन. मैम डाउट है एक. हाँ हाँ, प्लीज स्टैंड अप एंड आस्क मी. मैम थर्ड का आंसर सी ए बी डी नहीं आएगा? थर्ड का, ओह नो बच्चे, सी हाउ. Let me do it again. आपका ये जो सी लेवल था, इसमें आपके पास ए था, बी था, सी था और डी था. ए में आपके जो था वो -180 था और सी में आपके पास -55 था. ठीक है, यहाँ पे आपके पास 1600 था और यहाँ पे आपके पास 3200 था. ठीक है, अब पॉजिटिव में तो आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि ये बिगर है और ये स्मॉलर है. ठीक है, और अब आपको नंबर लाइन पे पता है बेटा, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ -1 होता है, यहाँ -2 होता है, तो -2 इज स्मॉलर देन -1. डू यू नो? यस. जैसे जैसे आप, जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड पे जाओगे नंबर छोटे होते जाएंगे. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे -180 और -55 में से बड़ा नंबर कौन सा है? वो विल टेल मी. जिससे मैं सिखाऊंगी मुझे जब हम नेगेटिव साइन की बात करते हैं, जो छोटा नंबर होता है वो बिगर बन जाता है. ओके बेटा, तो हमने जब असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना था, छोटे से बड़ा करना था, तो इसलिए हमारा ये -180 सबसे पहले आया, -180, फिर -55,
फिर हमारे पास 1600 आया, फिर हमारे पास 3200 आया ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, जब हमने किया लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। ओके, तो हमने जो इनकी वैल्यूज लिखी है वो लिखी हमने ए सी बी एंड डी, तो हमारी ए ऑप्शन मैच कर रही है इसे। इज इट क्लियर? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। प्लीज बी केयरफुल बेटा, इन टीचर्स का चैप्टर इसीलिए बनाया गया है टू टेल यू दिस ऑल नेगेटिव और पॉजिटिव की क्लैरिटी करने के लिए। एंड वन थिंग यू शुड रिमेम्बर, अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया कि व्हेन वी डू 5 ग्रेटर देन यू नो 2, जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगी दोनों के साथ तो ये साइन उल्टा हो जाएगा। प्लीज रिमेम्बर, इज इट क्लियर? यस यस, वेरी गुड। चलो मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी। इन क्वेश्चन फोर्थ इज लेफ्ट, फोर्थ क्वेश्चन इज लेफ्ट। ओह माय गॉड, ओके गुड। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिवेशन? मैम ए, मैम ए, नो 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 नो, मैम बी। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? -180, -180 अभी अभी हमने डिस्कस किया था। ओके, और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा बेटा? 3200। तो उन्होंने पूछा है उनका डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा? 3200 -180। प्लीज फाइंड आउट कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। बी डिफरेंस पूछा है इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया है यहाँ पे। डोंट गेट कंफ्यूज कि एक बार नेगेटिव लिख दिया बस ठीक है। ये नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि उन्होंने डिफरेंस पूछा था इन दोनों नंबर्स के बीच में। ओके, और डिफरेंस आपको पता है बिगर माइनस स्मॉलर होता है हमेशा, तो हमने पहले बिगर नंबर लिखा माइनस छोटा नंबर लिखा। इज इट फाइन? सबसे पहला काम आपका है उनको तरीके से लिखना सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, फिर आपका काम है इंटीजर्स की प्रॉपर्टी यूज करना कि माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए मैंने दोनों को प्लस कर दिया। इज इट क्लियर? चल वी मूव, अभी आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो वेरी गुड, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा ना पीछे बेटा। ओके वेरी गुड, अभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, जो आपके डेली टेस्ट में एग्जाम्स में भी यूज होता है, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में भी यूज होगा। जब आप कॉम्पिटिशन में जाओगे वहां भी ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो चेक होती है, उनकी चेकिंग होती है। व्हाट इज द क्वेश्चन इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंटेनिंग 25 क्वेश्चंस? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हमारे पास 25 क्वेश्चंस हैं टोटल, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस हैं हमारे पास 25 क्वेश्चंस। ओके, अ स्टूडेंट इज टू बी आंसर्ड प्लस 5 अवार्डेड प्लस 5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अब इसको थोड़ा सा मैंने डायग्राम तो नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन रफ में हम लिख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दे आर टॉकिंग अबाउट करेक्ट आंसर, दे आर सेइंग इन फर्स्ट सेंटेंस कि अगर उसका करेक्ट आंसर होगा तो उसको प्लस 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में दे आर सेइंग -5 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट मतलब जो रॉन्ग होगा आपका क्वेश्चन उसके कितने मार्क्स मिलेंगे? -5, और 0 फॉर नॉट राइटिंग एनी आंसर। तो 0 मार्क्स कब मिलेंगे? अगर आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, आपको आता ही नहीं है, टच भी नहीं किया उसको, तो उसके 0 मार्क्स मिले, ठीक है। तो ये मैंने हमने रफ में थोड़ी समरी बना ली क्योंकि हमने इनको आगे यूज करना है क्वेश्चन। ओके, नाउ दे आर आस्किंग इफ द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इज 110। फर्स्ट क्वेश्चन में दे आर सेइंग कि एक बच्चे ने 110 मार्क्स लिए हैं टोटल, ठीक है। जब उसको टोटल 110 मिले हैं तो हो सकता है उसने कुछ क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे, कुछ क्वेश्चन उसने छोड़े होंगे, कुछ क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए होंगे, होता है ना ऐसा? जब आप एग्जाम देते हो कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े रॉन्ग होते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपका
जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, आप कहते हैं ये तो आता ही नहीं है, मैंने इसको देखा भी नहीं। ओके बेटा, अभी इस क्वेश्चन में दे सही कि उसको 110 मार्क्स मिले हैं बच्चे को, तो एंड कैसे मिले हैं उसको, ही हैज नॉट डन एनी क्वेश्चन इनकरेक्ट, उसने कोई इनकरेक्ट क्वेश्चन किया ही नहीं था, इसका मतलब है कि इनकरेक्ट को तो मैंने देखना ही नहीं है कि -5 उसको नहीं मिले। जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ तो इनकरेक्ट क्वेश्चन तो उसने कोई किया ही नहीं, इसका मतलब -5 उसको मार्क्स नहीं मिले। इज इट क्लियर मैम? यस। एंड दे आर आस्किंग कि द नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज, अब वो पूछ रहे हैं कि करेक्ट क्वेश्चन उसके कितने थे और नॉन अटेम्प्ट कितने थे, अनअटेम्प्ट जो उसने किए, ये क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि अब हमने दो चीजें निकाली है, करेक्ट कितने थे और नॉन करेक्ट कितने थे। अब बेटा आपको एक चीज तो पता ही है कि अगर उसके करेक्ट क्वेश्चन थे तो अगर उसके करेक्ट जो है क्वेश्चन उसके 5 मार्क्स उसको मिलेंगे, सपोज उसके 2 क्वेश्चन करेक्ट हैं तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 5 × 2, अगर उसके 3 क्वेश्चन करेक्ट हैं तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 5 × 3, 15। या 15। ओके दिस वे तो ऐसे जाएगा क्वेश्चन। अब हमने देखना है कि आपको जो है 5 × what क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 110, क्योंकि अनअटेम्प्ट के तो आपको पता है कि 0 मार्क्स मिले थे, मतलब 0 मार्क्स मिले थे उसको तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो उस बच्चे को जब 110 मार्क्स मिले वो किसके मिले, करेक्ट वाले क्वेश्चंस के, और 0 मार्क्स मिले उसको 22 क्वेश्चंस आर करेक्ट 22। यस, सो वी फाइंड आउट दिस इज इक्वल टू 110/5, व्हेन यू कट इट इट बिकम्स 22, 2 5s are 10 एंड 2 5s are 10 अगेन, तो हमारे पास आ गए कि करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन जो थे उसके 22 आए, टोटल क्वेश्चन कितने थे 25, 25 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारे जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन थे, ऑप्शन आपको थोड़ा हिंट मिल गया अभी, अनअटेम्प्ट कितने थे हमारे पास 3, 3 and 22 इज आंसर। एनी डाउट इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन? नो नो। वेरी गुड वेरी गुड, यू आर फाइंडिंग इट इजी, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट नाइसली, बिकॉज ये पूरी स्टोरी आपके सामने रफ में, जिस चीज ने ये अपना डायग्राम बनाया हुआ है छोटा सा, अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो समरी बना के क्वेश्चन की, उनको बहुत इजी लगेगा। मैम एक डाउट है। हाँ जी, यस टेल मी। मैम केस स्टडी के फर्स्ट का आंसर ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन? बच्चे ए आएगी ना, ए ऑप्शन आएगी क्योंकि करेक्ट ऑप्शन क्यों आएगी, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया बना है, क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि द नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आर रिस्पेक्टिवली, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मीन्स कि आपके पास जब उसने करेक्ट आंसर पहले पूछिए या अनअटेम्प्ट बाद में पूछिए, तो पहले वाला आंसर करेक्ट के लिए होगा, दूसरा वाला आंसर अनअटेम्प्ट के लिए होगा। इज इट क्लियर? यस। व्हेनेवर रिस्पेक्टिवली इज रिटन, इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट से मैच कर रहा है, सेकंड वाला सेकंड से मैच कर रहा है, बी वेरी केयरफुल। इज इट क्लियर? यस यस, वेरी गुड। सो ए ऑप्शन इज मैचिंग, नॉट बी, गलती से बी मत कर देना, रिस्पेक्टिवली का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है यहाँ पे। चलो सेकंड क्वेश्चन, ये भी कुछ ऐसा ही है, इसी क्वेश्चन से ही मैच करता है सब कुछ, हमारी समरी हमारे सामने है, बट आई हैव टू क्लीन द बोर्ड, लेकिन आपकी नोटबुक में आपकी समरी आपके सामने है अभी भी, सो वी कैन राइट अगेन, हमारे पास फिर से करेक्ट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट और नॉन अटेम्प्ट की बात हो रही है, हम दोबारा से इसको लिख लेते हैं, हमें पता है कि इसके +5 मार्क्स मिलेंगे, इसके -5 मार्क्स मिलेंगे, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, इसके 0 मार्क्स मिलेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में दे आर आस्किंग If the score of a student is 110, फिर से उसको 110 मिल रहे हैं, लेकिन अभी कंडीशन थोड़ी सी अलग है। अब उसने क्या किया? He or she has one incorrect response. एक incorrect है. एक incorrect का मतलब कि -5 तो पक्का ही है. -5 × 1. -5 तो उसको मिलने ही मिलने. बाकी कुछ और भी होगा. प्लस यहाँ भी कुछ होगा. यहाँ भी कुछ होगा. ठीक है, करेक्ट के भी हमने देखने हैं. इनकरेक्ट के भी देखनी है, नॉन अटेम्प्ट के भी देखनी है, तो हमें ये पता चल गया फर्स्ट सेंटेंस से कि इनकरेक्ट उसके पास
एक क्वेश्चन इनकरेक्ट था तो उसको -5 मार्क्स तो मिलने ही मिलने। ठीक है, नेक्स्ट दे आर आस्किंग देन द नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड द नंबर ऑफ अनअटेम्प्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग, कि करेक्ट कितने हैं और नॉन अनअटेम्प्ट कितने हैं दे आर आस्किंग। लेट्स सी ऑप्शन बी ऑप्शन बी बी। ओके मैं आपको कंफ्यूजन अभी दूर करती हूँ, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं कुछ बी बोल रहे हैं, सी ऑप्शन है। ओके बेटा यहाँ पे देखो -5 आपके पास आ चुका है, ये तो क्लियर ही है। यहाँ पे आपका 5 into something होगा यहाँ पे, यू नो करेक्ट तो कोई होंगे ना, कुछ कुछ क्वेश्चन तो उसके करेक्ट होंगे ही ऑफकोर्स। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब ये जो हमारे पास -5 था ना, इसको हम उधर ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड, 5 into question mark हमें पता नहीं है इसके साथ क्या है, तो मैं इसको कर देती हूँ 1 into 10 plus 5 = आ गया 115। ठीक है, जो नंबर मेरे को पता था यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, मैंने उसको ट्रांसपोज कर दिया दूसरी साइड पे। यू नो हाउ टू ट्रांसपोज इट, पता है आपको? यस और आपको? यस वेरी गुड, आपको ये भी पता है इसका साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे -5 था तो उधर जाके वो प्लस हो गया। यस यस अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा तो वैसे ही बन गया जैसे हमने फर्स्ट पार्ट निकाला था, कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 115 आ जाए। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 115 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज डूइंग 5 to the 10, 5 to the 15, 23। इसका मतलब करेक्ट क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं 23, करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास 23 आ गए हैं। तो देखो कोई ऑप्शन मैच करती है, यस बी ऑप्शन मैच करती है, यस वेरी गुड बी ऑप्शन मैच कर रही है। ओके तो हमारे पास करेक्ट क्वेश्चन इतने हैं और ऑन द टाइम हमारे पास ऑन है, क्योंकि टोटल हमारे पास 24 थे। 24 क्यों थे? क्योंकि एक तो हमारा पहले ही चला गया इनकरेक्ट में चला गया, 25 में से एक इनकरेक्ट हो गया, बाकी बचे 24, 24 में से 23 हमारे पास करेक्ट हो गए, जो एक बचा हमारे पास वो अनअटेम्प्ट हो गया। तो आंसर इज 23 and 1 रिस्पेक्टिवली, फिर से रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ बेटा, प्लीज बी रिमेम्बर। यहाँ पे 123 भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या इसका आंसर? नो, व्हाई? व्हाई? बिकॉज रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मेरे को फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट से मैच करना है, दूसरा वाला अनअटेम्प्ट से मैच करना है। क्लियर बेटे? अभी आपको थोड़ा सा और इंटेलिजेंटली मेरे को जवाब देना है नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इसको सोचना है। थर्ड क्वेश्चन इज इफ द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इज 110, ओके इज इट पॉसिबल फॉर हिम और हर टू अटेम्प्ट 24 क्वेश्चंस करेक्ट? नो नो। व्हाई? आई वांट टू नो द रीजन। 7th बी जानवी, 7th बी तुम कहना है, प्लीज वेट आपकी भी टर्न आएगी बेटा। I want to know whether it is no or yes. और मेरे को रीजन भी बताना बेटा। Yes. मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ रही हूँ, उसके मार्क्स है 110, तो करेक्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि 24 हो सकते हैं, यस और नो? यस, ओके गो बैक एंड लिसन इट वेरी केयरफुली। Now I want to ask other section. Let me move to the other children also. Many children are raising their hand. May I? Rakshit, 7th E. Rakshit is there? No. No. Okay, who is saying may I? Which section? 7th G. Ma'am, I am Rakshit. Okay, please tell me. Ma'am, the answer is no. Answer is no, but why? Tell me the reason. Ma'am, because if we multiply 24 with 5, the answer is not 110. Excellent. Perfect reason. No, kyunki 24, they are saying ki 24 correct questions hai. Iska correct ka matlab ki 24 into 5 mere paas aana chahiye 110, jo ki nahi aa raha. What is 24 into 5? This is 120. 110 se match nahi kar raha, isliye wo kabhi bhi ho hi nahi sakta 110. Okay, so no option is coming. That is B option is coming. Is it clear? Yes. ये बहुत बेटा ये वाला बहुत इंटेलिजेंसी वाला क्वेश्चन था।
ओके आई एम हैप्पी टू हियर योर आंसर, जिसने मेरे को कॉन्फिडेंटली बताया कि नहीं हो सकता क्योंकि वो 5 के टेबल में नहीं जाता. ठीक है, 24 × 5 इज नॉट इक्वल टू 110. फाइन. फोर्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू स्कोर 102 मार्क्स इन द टेस्ट? नो, 102 मार्क्स कभी हो सकते हैं उसके मार्क्स कभी भी? नो नो. व्हाई व्हाई, हु विल टेल मी? Because the answer will be the multiple of 5 and the 102 is not a multiple of 5. I want to see your face also. Who is telling? Please stand. Yes. Khade hoke batao mereko. I want to see your face. Yeah, very good. 7th F section. Very nice. Both, it's a very perfect reason. Yes, very good. Go back. Good to see. He told me. Baki sabko samajh aaya kya beta ye? Yeah. अब बेटा आपने देखा था बिगनिंग में उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि उसको या तो प्लस 5 मार्क्स मिलेंगे या फिर माइनस 5 मार्क्स मिलेंगे. इसका मतलब कि जो भी मार्क्स मिलेंगे वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए, 5 के टेबल में आने चाहिए. और अगर आपने 6 में डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको याद हो, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कौन बताएगा मेरे को? गुरशान फ्रॉम 7. नंबर शुड बी 5 एंड 0. Yes, class teacher should be 0 and 5. Yes. Divisibility test, बेटा आपने कभी भी नहीं भूलने, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, हायर क्लासेस में भी काम आएंगे. 7th, 8th, 9th, 10th, जब भी आपके पास कोई बिगर नंबर आ जाएगा उसको भी आप क्विकली देख पाओगे कि 5 के टेबल में जाता है कि नहीं. डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके माइंड में पक्का होने चाहिए. इट मेक्स योर क्वेश्चन वेरी सिंपल एंड इजी टू सॉल्व एंड करेक्टली यू कम टू नो दिस इज परफेक्टली करेक्ट आंसर. ओके बच्चे, सो ही टोल्ड मी कि 102 कभी हो ही नहीं सकते, तो 110, 115 हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 115. मैम यस 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 एंड 103 हो सकते हैं? नो, 100 यस. आप जल्दी से ये देख रहे हो क्विकली आपकी नजर कहाँ पे जा रही है, यूनिट स्पेस पे जा रही है. कभी आप 5 को देख रहे हो और 0 को देख रहे हो तो आप बता रहे हो यस, जो कि आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट को मैच करता है. ओके बेटा, आई होप दैट थिंग्स आर क्लियर टू यू. कुछ पूछना है आपने इंटीजर्स के चैप्टर में? कोई डाउट है आपको? Once again, I am revising for you. ये आपका इंटीजर्स की लास्ट बेटा असाइनमेंट थी. आपको दो चीजों का ध्यान देना है कि जब भी आप स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हो प्लीज अपना एक रफ कॉलम बना के अपनी डायग्राम वहां पे ड्रॉ कर लो. रफ में कोई भी, वो टीचर ने चेक नहीं करनी होती, आपकी डायग्राम को देखना नहीं होता. आप चाहे उसको अच्छा बनाओ गंदा बनाओ डजंट मैटर. ठीक है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने करना है. और कैसे क्वेश्चन आते हैं? अबव सी लेवल, बिलो सी लेवल. ठीक है, हाई इन टेम्परेचर, लो इन टेम्परेचर. ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. लो है तो नेगेटिव साइन, फॉलिंग है तो नेगेटिव साइन, बिलो है तो नेगेटिव साइन. ठीक है, आपको रिकॉग्निशन होनी चाहिए कि कैसा वर्ड है और कैसा उसका साइन बनेगा. इज इट क्लियर? यस यस. आई विल सजेस्ट प्लीज रिवाइज दिस वर्कशीट एट होम एंड आस्क मी योर डाउट्स टुमारो इफ यू हैव एनी. ओके बेटे. Bye, Vita. All the best. Have a good day. Bye, ma'am. Thanks Bye for teaching us. Thank you.